सही कह रहे हैं आपकी गाड़ी को। ठीक है फाइव सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स रिवर्स, दो गियर हमारी तरफ आएगा, दो गियर बीच में है, दो गियर आपकी तरफ जाएगा। ठीक है क्लच पूरा दबाओ, हाँ पहला नंबर क्लच दबाओ पूरा, नहीं पूरा एकदम एंटर जाओ, ऐसा पल्स डालो ऐसा नहीं गियर हो गया। ठीक है अब आप लगाइए, हाँ दबा कर रखिए, पूरा पीछे आएगा, हाँ आर बनाना है। ठीक है फिर छः गियर है आपकी गाड़ी में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जिसमें फर्स्ट और सेकंड हमारी तरफ दबाना पड़ेगा, प्रेस करना है, और थर्ड और फोर्थ बीच में है, फिफ्थ और रिवर्स आपकी गाड़ी तरफ दबाना है, क्योंकि ये लीवर अगर जब तक ऐसा दबाएंगे नहीं तब तक नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड की पोजीशन में हमेशा रहता है, थर्ड सीधा चले जाएगा फोर्थ चले जाएगा। ठीक है फिर से लगाओ, हाँ ए जी सी वाला दबाओ, लेफ्ट साइड वाला पूरा पैर नहीं पहुँचा, पैर नहीं रखे हुए आप उसके राइट वाला नहीं लेफ्ट वाले पैर से छोड़ो मिला ना, हाँ ये क्लच है अब दबाए देखा जा रहा है अंदर ना, क्लच इसको बोलते हैं, और लेफ्ट साइड का पैर क्लच पे ही रहेगा, और राइट वाला जो पैर है आपका दो काम करेगा, ब्रेक और एक्सीलेटर, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो अपने को एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक्सीलेटर दबाएंगे तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो क्लच पूरा दबाओ, क्लच निकालो, सेकंड डालो, थर्ड में डालो, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है गियर समझ में, आप क्लच को पूरा दबाओ, और क्लच को जितना धीरे छोड़ सकती हो उतना धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा छोड़ोगे तो बंद पड़ जाएगी। एक्टिवा चलाते हो आप, एक्टिवा का क्लच जैसा आप सब धीरे धीरे छोड़ते ना, झटके में नहीं छोड़ता, ये धीरे धीरे एकदम छोड़ते एकदम स्लो में पैर, और स्लो छोड़ो दबाओ पूरा, और स्लो छोड़ो दबाओ थोड़ा, और धीरे धीरे आराम से छोड़ो थोड़ा, और मतलब जितना स्लो छोड़ोगे गाड़ी अच्छे से चलेगी, बंद नहीं पड़ेगी, ये जो है ना जमीन के टच को बंद जैसा दबाए ना ऐसा धीरे धीरे, मतलब हिल नहीं उठेगा, जमीन पे टच रहेगा तो गाड़ी झटका नहीं लेगी, हाँ थोड़ा थोड़ा खाली ऐसा हल्का सा धीरे धीरे करोगे ना तो गाड़ी चलने लगती है, थोड़ा सा और थोड़ा सा ये वाले रेड कलर से, जब गाड़ी अपनी गर्म होती है तो लाइट आएगी, और ग्रीन रेड मतलब ओके है, तो अभी कुछ नहीं, ये सेकंड लाइट बताएगी जो लाल कलर की, जो कार टैंक में बन रहा है, इंजन में ऑयल कम रहेगा तो लाइट बताता है, इंडिकेटर करता है, और बैटरी का कुछ फॉल्ट रहेगा तो लाइट बताएगा, माइनस प्लस निशान बना हुआ ना देखा, और फिर उसके बाद में ऊपर की लाइट देखा, ये दरवाज़ा या डिग्गी कोई भी चिपकी में रहेगा तो इंडिकेट करेगा, ये सीट बेल्ट लगाओगे तो बंद हो जाएगा, ये ब्रेक का लाइट है, अगर ब्रेक का कुछ तकलीफ रहेगा तो लाइट बताएगा, ठीक है राउंड वाला नीचे, और जब गाड़ी हम स्टार्ट कर देंगे देखो सब लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है लेकिन अभी आपकी तीन लाइट जल रही है, सीट बेल्ट का, दरवाजे का, ब्रेक का, ठीक है दरवाजे का बंद हो गया, सीट बेल्ट आप लगाओगी तो भी बंद हो जाएगी, लगा के देखो
देखो सीट बेल्ट की लाइट भी बंद हो गई, ठीक है। अब खाली ब्रेक का लाइट बता रहा है, तो ब्रेक दो होती है, एक पैर का ब्रेक दब बताया उन्हें, उसको हैंड ब्रेक भी बोलते हैं और पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है। तो इसको जब आप नीचे कर दोगे ऐसा, देखो अभी लाइट बंद हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब भी गाड़ी आपकी ओके है, ठीक है। बाकी ये हॉर्न कहीं से भी आप दबाओगे तो बजेगा पूरा, ठीक है। नीचे राइट कंडीशन है, ऊपर करिएगा तो लेफ्ट कर, जैसे बाइक में बटन रहती है ना ऐसा करने के लिए, तो नीचे करो नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, तो ऐसा नहीं ताकत मिलेगी, स्टीयरिंग पकड़ो ऐसा एक उंगली से मारो उसको नीचे, जैसा नीचे जाएगा फिर ऐसा ऊपर, ठीक है। स्टीयरिंग पे हाथ रखो, ड्राइवर को ऐसा जाना चाहिए। ये वाइपर का लो मीडियम हाई तीन, ऐसे एक बार ऐसा अपन करते तो आके रुक जाता रहेगा, एक फुल ठीक है। ये वाइपर का है, फिर रास्ते में गाड़ी खराब होती है तो पार्किंग जो एक साथ में देखते चालू हो जाता है, ठीक। पार्किंग लाइट मतलब सब सिंगल साथ में चालू हो गए ना, आगे पीछे साइड में, तो मतलब पीछे वाले को मालूम पड़ जाएगा गाड़ी खराब है करके, ठीक। ये दबा दो बंद हो जाएगा, फिर दबाओगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी में हेड लाइट बोलते हैं, चालू करो एक बार, उसको गोल घुमाओ थोड़ा सा, हाँ एक देखो छोटी लाइट जलती है, डिम लाइट जिसको बोलते हैं, और एक बार घुमाओ उसी को सामने की तरफ हेड लाइट जलेगी, ठीक है। फिर वैसे ऑफ बंद कर दो, पीछे की तरफ बंद हो गई। ये सिस्टम है तुम्हारा, यहाँ से ड्राइवर ऑपरेट कर सकता है ऐसा भी है। जो सिस्टम इसमें सबका अलग अलग रहता है, ये आवाज़ कम कर, ठीक है। ये पूरा तो जो यहाँ से तुम अपडेट कर सकते हो पूरा सिस्टम जितना है, बाकी जैसा ब्लूटूथ है जो कुछ रहेगा सर इसमें जो भी, तो ये सिस्टम समझो हर गाड़ी का अलग अलग है, जैसा आदमी का उसमें। अब एसी के बारे में, एसी का देखो ए बटन है, एसी का ए बटन ऑन कर दिए, ए फाइन है। अब आपको ये पूरा कूल करने लगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी कूलिंग करनी रहेगी दबा दो तो कूलिंग थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। अब टेम्परेचर का है, अगर कूलिंग करना है तो ए वाला निशान जो है इस पर रखना है, अगर गर्म चाहिए नॉर्मल तो बीच में रखना है, और ज़्यादा हीट चाहिए ठंडी है तो इस पर रखना है। आगे पंखे कर दिए हो, मतलब जो पंखा ऊपर नीचे कर जाए, ये सामने की तरफ है, ये गया पैर के पास लगा, फिर ऊपर उठाओगे ये चले जाएगा एकदम वहाँ पे कांच के पास, ये देखो पूरा कांच भी गया। अब फिर हवा यहाँ से पूरा, फिर इसको उठा के इससे लाओगे तो पैर के पास आ जाएगा फिर ऐसा, क्योंकि सब पे डायरेक्शन दिया गया जैसा आप चाहिए वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी का सिस्टम है, और बाकी जो है ये म्यूजिक का सिस्टम आपने देख लिया, एसी का देख लिया, ठीक है। समझ में आया जैसे जल्दी थोड़ा कूलिंग करना है तो मतलब पूरा कवर कर लेगी गाड़ी, ठीक। और फिर उसके बाद में एसी यहीं से बंद भी हो जाएगी, अब ये बटन बंद करोगे क्योंकि अगर ये बटन ऑन रहेगी तो एसी का अंदर जो मोटर होता है वो चलते रहेगा, स्विच फैन बंद होगा, और इसको खाली चालू करोगे नहीं दबाओगे खाली स्विच फैन चलेगा, कूलिंग नहीं करेगी जब तक ये बटन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आज का ट्रेनिंग, जब आप कल से आओगे तो गाड़ी चलाने के लिए देंगे, और वहाँ देखो फाइल के पास तुम्हारे व्हाइट कलर का दिख रहा है ना नीचे एकदम, उसको खींचो इंजन के बाद खुलेगा बोनट, हाँ बस ड्राइवर को काम शुरू यहीं से होता है, पहले आए दरवाज़ा खोले ये बोनट खोल रहा होता है, ठीक है। फिर रेडिएटर का पानी चेक कर रहता है, अगर ये गाड़ी गर्म हो गई अपनी तो यार खोल नहीं सकते, क्योंकि अभी कितना देर स्टार्ट हुई 2 मिनट,
इसमें जो घर का फ्यूचर होता है उससे कई गुना ज़्यादा गए। तो अगर इसकी भाप भी लग गई तो कम से कम अपने को 4-6 महीना लगता है कि वो कालापन चले जाए। हाँ, ये जब गाड़ी एकदम ठंडी रहती है तब इसको आप खोल कर चेक कर सकते हो, नहीं तो मेरे को साइड में दिया ये नीचे ये खोल के चेक होता है। तो इसमें अगर पानी रहेगा तो पाइप से आ जाएगा, ये पतली पाइप दिखी ना, ज़्यादा होगा तो इसमें रिटर्न कर देगा, बाकी गाड़ियों में कहीं कहीं काम रहेगा इसमें अंदर दिए ठीक है। तो ये चेक हो गया, फिर उसके बाद इंजन ऑयल चेक करना आपको। इंजन ऑयल ये बैटरी बताया मैंने, माइनस प्लस का निशान अंदर दिखाया, ये चार्जिंग है इसका, अगर ये ख़राब रहेगा तो बैटरी चार्ज नहीं करेगी, वो लाइट अंदर बताएगी। और इंजन ऑयल अगर कम रहेगा, अगर नहीं चेक किए तो अंदर लाइट बताएगा ठीक है। ये ब्रेक ऑयल है, अगर इसमें ऑयल कम रहेगा तो राउंडिंग वाली जो ऐसा लाइट थी वो बताएगी, अगर ऑयल कम रहेगा तो। ये देखो यहाँ तक निशान, यहाँ तक ऑयल करना चाहिए, निशान दिख रहा है लाइनिंग। हाँ तो यार क्लच को है ना, अगर इसमें ऑयल नहीं रहेगा तो क्लच काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर क्लच है ठीक है। तो ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, इंजन ऑयल, रेडिएटर का पानी, ये चार चीज़ आपको रोज चेक करना है।